सिंध के सैलाब जदगान की बड़ी तादाद कराची पहुंच गई। सचल गोट के न्यू ग्रामर बॉयज स्कूल में भी मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी शुएब, सिंध के मुख्तलिफ अजला से जो है वो जो सैलाब मुतासिर हैं या जो बारिशों से मुतासिर हुए हैं शहरी, वो कराची में इस वक्त मुकीम है। सचल के इलाके में कुछ स्कूल्स जो कि रखे गए थे, जिनको जो है यहाँ पर शहरियों को रखा गया है। तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं यहाँ पर शहरी यहाँ पर मुकीम है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। मेरे साथ इस स्कूल के जो काम संभाल रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। सहूलियात जो हैं वो 10% है, हालाँकि इनको हमने कमरा दिया हुआ है जिस कमरे में मुतासरीन बैठे हुए थे वो खाली करवा के डॉक्टरों को दिया हुआ कि सेहत के मामला जो हैं सही रहें। आम कोई डॉक्टर होता है वो भी अगर कहीं जाता है विजिट पे तो अपना ब्लड प्रेशर के आलात, बुखार के आलात ये सारे अपने साथ होते हैं और वो लेके जाता है। यहाँ पे कल ब्लड प्रेशर चेक करने के आलात नहीं थे। जैसे वहाँ गया उनसे पूछा कि भाई क्या क्यों नहीं है, लोग आके शिकायत कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं सर हम खुद ही यानी ये समझ जाते हैं कि इस बंदे का क्या ब्लड प्रेशर है। यहाँ पे लोग इतनी तकलीफ़ में हैं। बाकी ये जो इनका लगा हुआ है सिस्टम, जो वहाँ पे ये कैंप लगी हुई है उससे अभी तक आज तीसरा दिन है, मुझे यानी इस कैंप को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कल मैंने शिकायतें की, उन्होंने बोला था आज के लिए कि आज सुबह से आपको इंतज़ाम अच्छा मिलेगा और बेहतर मिलेगा। सुबह से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, कोई इंतज़ाम नहीं है। जैसे आपने खुद देखा आज कि मैंने एम्बुलेंस में भर के बंदे बाहर भेजे, एम्बुलेंस प्लेट मंगवाई है और अभी वो वापस आ गए हैं। ठीक है, आपने सुना कि यहाँ पर जो सेहत के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, शहरियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है, चूँकि यहाँ पर इतना बड़ा सफ़र तय कर किया है, किसी को उल्टी मोशन का मसला है तो किसी को जो है वो कोई और मसाइल हैं, किसी के पैर सूजे हुए हैं, ऐसे में वो डॉक्टर्स की तरफ जो रुख करते हैं तो उनको जो है वहाँ पर उनको आलात नहीं मिलते, वो दवाइयाँ नहीं मिलती जो ज़रूरत की होती हैं। इंतजामिया जो यहाँ पर संभाल रही है, जो सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से इमदाद जो मुख्तसर इमदाद की जा रही है वो अच्छे तरीके से की जाए और यहाँ पर जो सेहत के आलात हैं, जो दवाइयाँ हैं वो पूरी तरह जो है वो फराम की जाए। जी।